दर्शन करना है गोल्डन टेम्पल। हो चुके हैं हरियाणा बॉर्डर, सबसे पहला टोल गेट आया है। तो हाईवे से चलते चलते हम पहुंच गए हैं हवेली रेस्टोरेंट। मतलब तो सिटी में इन नहीं किया, बाहर से होते हुए, और जो रोड कंडीशन था वो काफी बाद वो भी बार बार हाईवे में कनेक्ट करेगा। ड्राइविंग गांव के अंदर से ली क्योंकि यहाँ पर जो रोड था वो बंद था। 4 आवर्स बचा है 245 किलोमीटर। टायर रोड है वो अभी तक 4 लेन रोड है, और उसके बाद का जो रोड है वो कम्प्लीटली सिंगल लेन रोड है। नीचे 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 बस वहीं पर, यहाँ से गोल्डन टेम्पल आई थिंक 50 किलोमीटर हो गया। तो हम पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल के कार पार्किंग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और होप सो आप लोगों को प्रीवियस वाले सारे दिल्ली की वीडियो पसंद आए हो, और हम लोगों ने जो जो दिल्ली में किया वो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया और मैंने पोस्ट कर दिया। और आज की जो हमारी जर्नी है वो दिल्ली को बाय बाय कहने की है, क्योंकि हम जाने वाले हैं दिल्ली से पंजाब। और दिल्ली से पंजाब का सफ़र कैसा रहेगा वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको। तो पंजाब जाने का रीज़न ये है कि हम लोगों को दर्शन करना है गोल्डन टेम्पल। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और हम निकल रहे हैं अपने रूम से। फिर दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। बस तो ये रहा हमारा सारा लगेज और ये रहा संदीप। हेलो। सबको अपने जगह पे अभी फिट करना ही स्ट्रगल है हमारे लिए। वो फाइनली तो स्ट्रगल के बाद हो गया हमारा सामान फिर से सेट, जैसा हम लोगों ने पुणे से करके लाया था। लैपटॉप और 2-3 बैग अच्छे से रखना है ऊपर में। तो हम निकल चुके हैं अपने होटल से दिल्ली को छोड़ने के लिए, और हम लोगों को जाना है पंजाब। और पंजाब हम जाने वाले हैं रोहतक वाले रूट से। रोहतक, जिंद, बरनाल, अल्मोगा, ऐसे होते हुए हम पहुंच जाएंगे अमृतसर। और ये जो हमारा फिर से ट्रैवल होने वाला है दिल्ली से पंजाब, वो रहने वाला बहुत ही एक्साइटिंग। लिया है दिल्ली और अब हम एंटर हो चुके हैं हरियाणा बॉर्डर। मेन सिटी में थोड़ी ट्रैफिक थी तो हम बाहर निकल गए। हम लोग जैसे दिल्ली से निकले हरियाणा जैसे एंटर किया, तो हम लोगों ने ले लिया बहादुरगढ़ से पहले हाईवे, जो कि हमें बाहर बाहर से लेकर अभी आगे रोड में मिलाएगा। तो हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो बहादुरगढ़ वाले हाईवे से जा रहे थे तो हम लोगों को दिखा है 60 सालों से प्रसिद्ध बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़े। तो हम लोगों ने पकौड़ा तो नहीं खाया क्योंकि बहुत ज्यादा खुला में रखा हुआ था और बगल में हाईवे है, तो बहुत ज्यादा डस्ट उसमें जा रहा था, दिख रहा था। अभी हम लोगों ने सिर्फ उनको बोला कि भैया 2 कूलर चाय बना दो, और अभी हम 2 चाय पी के यहाँ से चलते बनेंगे। लिखा था फुल्ली एसी, एसी ऑन ही नहीं था। हमारे कार से टेम्परेचर ज्यादा गर्म था वहां पर। बहादुरगढ़ पार करने के बाद अभी ये सबसे पहला टोल गेट आया है जहाँ पर अभी हम पे करेंगे टोल फी। तो हाईवे से चलते चलते हम पहुंच गए हैं हवेली रेस्टोरेंट। इसके ब्रांचेस हर जगह हैं, ऑल ओवर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जहाँ पर भी आप जाओ। मैंने और संदीप ने पहले भी यहाँ का जो भी थाली और खाना खाया हुआ है तो हम लोगों को बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहीं पर ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ की थाली बहुत फेमस है और पराठे भी काफी टेस्टी। तो हम लोगों ने यहाँ आकर कर दिया पराठा ऑर्डर, क्योंकि पता था कि ब्रेकफास्ट और पराठा बेस्ट रहेगा। आलू पूड़ी और पराठा, साथ में थोड़ी सी कर्ड। हवेली के एम्बियंस होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं, मतलब तो हर एक छोटे छोटे चीज़ इतने अच्छे से डेकोरेट किया रहता है तो आपको पुरानी ट्रेडिशनल टच देगी। और आ गया हमारा आलू पूड़ी। तो ये रहा आलू पूड़ी, बता रही हूँ हवेली वाला टेस्ट है खाने का, वो बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ रहा है। डायरेक्टली ऑर्डर करूँ पूड़ियाँ पराठे, मज़ा आ जाएगा। तो जैसे हम हवेली रेस्टोरेंट से निकले तो हम लोगों ने ले लिया है रोहतक हाईवे। मतलब तो सिटी में इन नहीं किया, बाहर से होते हुए हम निकल जाएंगे रोहतक से आगे पंजाब जाने के लिए, अमृतसर जाने के लिए। जो रोड है वो 4 लेन है और काफी अच्छा रोड है अभी तक का। तो सिटी से जब से निकले हुए हम लोग दिल्ली से,
रोड ठीक ठाक है, अच्छा मिल जाएगा। और जो हाईवेज है वो तो काफी अच्छे हैं और ज्यादा भीड़ नहीं है, गाड़ियां ज्यादा चल नहीं रही है, तो आप आराम से थोड़ा टेंशन फ्री होकर ड्राइव कर सकते हो। और ट्रक भी बहुत कम है और बसेस भी बहुत कम चल रही है इस रूट में। तो अभी हम लोगों ने पार कर लिया रोहतक। रोहतक जब पार किया तो थोड़ी सी बीच में 2-3 किलोमीटर की वाली एरिया जो सिटी के अंदर का पार्ट होता है, देन उसके बाद फिर आप फिर हाईवे ले लोगे और फिर वो भी आपको 4 लेन कम्प्लीटली हाईवे मिलेगा। और ये हाईवे मे भी जिंद तक जाएगा, जो जिंद प्लेस है वहां तक। तो हम लोगों ने जिंद पार कर लिया था और जो रोड कंडीशन था वो काफी अच्छा था। आपको कम्प्लीटली 4 लेन रोड मिलेगा और रोड भी काफी खाली थी, तो ओवरऑल सही था रास्ता। फिर जिंद से हम लोगों ने ले लिया है नरवाना, जो कि अभी थोड़े से सिटी से होकर जाएगा, फिर उसके बाद वो भी बार बार हाईवे में कनेक्ट करेगा। तो सिटी के अंदर ही हम हाईवे यूज कर रहे हैं और फिर हम निकल जाएंगे बाहर। हरियाणा और हम आ चुके हैं अब पंजाब में। नरवाना जो था वो हरियाणा का पार्ट था और पंजाब में आता है पटरन, तो हम लोग नरवाना से पटरन वाला रास्ता लेंगे। वो भी काफी अच्छा 4 लेन है और लगातार आपको हाईवे ही हाईवे दिखेगा और बहुत कंजेस्टेड नहीं है। अभी आपने देखा हम लोग पटरन से लेफ्ट ले लिया, जो लेफ्ट लेकर हम चले जाएंगे दिरबा होते हुए हम चले जाएंगे संगरूर। तो अभी हम लोग वही दिरबा संगरूर वाला ही रोड लेकर अभी आगे जाते जाएंगे और फिर आपको रोड कंडीशन बताएंगे टिल अमृतसर की कैसा है। तो हो गया अभी आफ्टरनून और हम लोग प्लान कर रहे हैं लंच के लिए कि कहीं पर स्टे ले, 3 बजने वाला, भूख बहुत जोर लगी। अब देखते हैं कहाँ रुकना हो पाता है। तो ये रहा रेस्टोरेंट और हम चले गए थे वो रिसोर्ट साइड, बट वो रिसोर्ट है प्राइवेट रिसोर्ट है, तो अपना पूल साइड एंजॉय करने के लिए। तो ये रहा रेस्टोरेंट हवेली जहाँ पर अभी हम करेंगे लंच। तो संदीप गया हुआ है वो रेस्टरूम यूज करने, वहाँ से आता है फिर हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खाने में ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक अभी भी हम लोगों को थाली पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। इस मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट का खाना था वो तो बहुत सही था, लंच का देखते हैं। हम कहीं जाते हैं फैमिली ग्रुप में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को कुछ डिस्कशन करना रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो मम्मी मैं ज्योति संदीप पापा पंजाबी बोलना पसंद करते हैं ताकि लोगों को समझ में ना आए। बट ऑल ऑफ सडन हम यहाँ पर भी आके अभी हम लोग पंजाबी में डिस्कशन कर रहे हैं चारों की क्या करना है कैसे करना है, बट हम भूल गए कि हम पंजाब में ही हैं और हमारे आस पास सारे पंजाबी बैठे जिनको हमारी पूरी बात समझ आ रही थी। इसलिए आ गई है हमारी थाली ये सारा कुछ और अभी हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे शेयर। तो हम लोगों ने कर लिया होटल हवेली में लंच, 4 बजने वाला, और हम निकल गए हैं अपनी जर्नी के लिए क्योंकि अभी भी 4 आवर्स बचा है 245 किलोमीटर अमृतसर पहुंचने में। और होटल हम लोगों ने booking.com से बुक किया है, बट पार्किंग का थोड़ा इशू, अब पार्किंग का देखना होगा कि है कि नहीं है। तो जाते जाते जो भी ऑप्शंस दिखेंगे तो उसमें हम स्टे करने का सोचेंगे और फिर करेंगे शाम में दर्शन और नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जस्ट पार किया है बरनाल और बरनाल भी हम लोगों ने बाईपास ले लिया है और
हाईवे के लिए, और जब से हम लोग सिटी से बाहर निकले दिल्ली से, उसके बाद तक का अभी तक का जो रोड है वो बस बीच में 2-3 किलोमीटर का जो रोड था जो मैंने बताया था खराब है, उसके अलावा जो एंटायर रोड है वो अभी तक 4 लेन रोड है और बहुत ही परफेक्ट है। और टोल गेट भी आपका 4 से 5 आ चुका है। अभी बरनाल वाला रोड हम जा रहे हैं, बरनाल से हम नेक्स्ट लेने वाले मोगा। बरनाल से मोगा तक का रोड देख लेते कैसा है वो, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो रोड भी परफेक्ट होगा जिस तरीके से अभी तक का रोड मिला है। पता नहीं ये दोनों क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चल रहा है इन दोनों का, लेंसेस ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट। ये अभी कोई ढाबा में रुके हैं चाय पीने के लिए, ये इसके लिए रुकना पड़ता है। तो हम लोगों ने पार कर लिया मोगा, लेकिन मोगा पार करने से क्या होगा। तो हम लोगों ने पार कर लिया मोगा, लेकिन उसके बाद का जो रोड है वो कम्प्लीटली सिंगल लेन रोड है। सिंगल लेन ही होता है ना, टू लेन हुआ। हाँ, सिंगल रोड लोगों ने पार कर लिया मोगा, और उसके बाद का जो रोड है वो कम्प्लीटली सिंगल रोड है। एक ही तरफ से गाड़ी आ रही है, एक ही तरफ से गाड़ी जा रही है, तो फिर ड्राइविंग बहुत स्लो हो गया क्योंकि शाम का टाइम है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, बस ट्रक चल रही है। रोड पहले अच्छा था, उस बीच में फिर ये वाला रोड सिंगल लेन आके मोगा के बाद से, अब बस ये देखना होगा कि ये जो सिंगल लेन रोड है ये मोगा के बाद तक कब तक रहती है, वो मैटर करता है। अगर 4 लेन रोड आ जाता है तो फिर इजी रहेगा अपने को फिर से स्पीड लेने में। तो यहाँ पर अचानक से रील बनाने का भूत चला हुआ है। मतलब अगर पंजाब नहीं है और पंजाब के खूबसूरती के साथ एक फोटो और रील्स नहीं बनाया या फिर वीडियो नहीं लिए तो क्या किए। और ये चल रहा है इनका शूटिंग का प्रैक्टिस, किसी गाने पे इनको वीडियो बनाना है। नीचे 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 बस वहीं पर। तो अभी हम लोग रुके थे गेहूं के खेत में और वहां पर हम लोगों ने कराया फोटो शूट। मैंने तो थोड़ा बहुत कराया, ज्यादा तो ज्योति ने किया अपना वीडियो शूट फोटो शूट। कैसा लगा ज्योति? मजा आ गया। मतलब एक होता है वो बकेट लिस्ट में जो होता है, तो वो विश में अपने पूरी करते जा रही हूँ। तो क्या क्या बकेट लिस्ट में आज पूरा हुआ? आज मैं ट्रैक्टर पे बैठी और खेत पे वीडियो बनाए, और अभी अमृतसर देखना है ऑल्सो, उसका पार्ट था तो वो भी अभी बाकी है। मम्मी को कैसा लगा? अच्छा लगा बस। मम्मी को अच्छा लगा बस। अच्छी जर्नी रही है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जहाँ से गोल्डन टेम्पल आई थिंक 50 किलोमीटर हो गया या 45 किलोमीटर। गोल्डन टेम्पल के कार पार्किंग में, और इस तरीके से बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। पहले मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं पार्किंग का क्या रहेगा, कहाँ मिलेगा, बट इतना इजी था अंदर आना ना कि सारे टेंशन कम हो गए। एक दो होटल का पता किया है, अब जाते हैं वहाँ और फिर देखकर आपको बताते हैं। तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी पता चल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय, टेक केयर।